हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे आपको पता है कि हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ नई नई जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में नई चीज़ जो बताने वाले हैं वो ये चीज़ बताने वाले हैं, जो सिम कार्ड हम लोग यूज करते हैं, जो भी सिम कार्ड हम लोग यूज करते हैं, जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सस्ते सस्ते सिम ऑफर में बिकते रहते हैं, जो कि लोग छाता वाता लगा करके रोड के किनारे बहुत सारे सिम लोग बेचते हैं। कुछ लोग कभी कभी कुछ कंपनियों का ऑफर आता है तो कुछ लोग उसको फ्री में भी बेचते हैं, कुछ लोग 50 रुपये, 100 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में, ऐसे लोग सिम बेचते रहते हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, या फिर कहीं पे ऑफर लगा करके सिम मिल रहा होता है, सस्ता में सिम मिल रहा होता है, जैसे 10-20 रुपये मिल रहा हो और उसमें 1 महीने 2 महीने का ऐसे फ्री मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं कि चलो सिम खरीद लेते हैं और उस सिम को यूज करेंगे कुछ दिनों तक, और जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उस सिम को क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोग भी ऐसे करते होंगे कि सस्ता सिम मिलता होगा तो सस्ता सिम खरीद लेते होंगे और उसको यूज करने के बाद से फेंक देते हो, क्योंकि सब कोई पर्सनल नंबर तो एक चलाता है, लेकिन पर्सनल नंबर के साथ साथ में कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कभी भी ऑफर ऑफर में सिम मिलता है सस्ता में, तो उस सिम को खरीद लेते हैं और उसका रिचार्ज यूज करते हैं, जैसे रिचार्ज खत्म होता है उस सिम को फेंक देते हैं या फिर उसको बंद कराते हैं। लेकिन अधिकतर लोग बंद नहीं कराते, अधिकतर लोग सिम को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो आप सिम फेंक देते हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि जो भी आप लोगों ने उस सिम को फेंक दिया, सिम कार्ड को फेंक दिया, तो उसका प्रभाव क्या होगा, उससे नुकसान क्या है? आपको बता दें कि जो भी आप लोग सिम कार्ड फेंक दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए और उस सिम कार्ड से वो व्यक्ति किसी को भी फ्रॉड कॉल कर दे, जैसे कि किसी सम्मानित व्यक्ति को, किसी अच्छे आदमी को फ़ोन करके उससे गाली वाली दे दे, चाहे उससे कोई दुश्मनी हो, किसी दूसरे बंदे से दुश्मनी हो, उसको फ़ोन करके कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे और बड़ा मैटर हो जाए, तो उस कंडीशन में जब जांच किया जाता है कॉल हिस्ट्री, किसने फ़ोन किया था, किसके नाम से सिम है, तब उस समय क्या होता है कि आप पकड़े जाते हो। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपके सिम से किसी भी प्रकार से कोई धोखाधड़ी हो गई, कोई फ्रॉड हो जा रहा है, जो आप सिम फेंक दिए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है कि जिसके नाम से सिम है उसको पहले पकड़ा जाता है। हकीकत क्या है ये तो कोई नहीं देखता है, लेकिन जिसके नाम से सिम उस व्यक्ति को पहले पकड़ा जाता है कि फलाना के नाम से सिम है, और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और तमाम तरह के केस मुकदमे सब चलने लगता है। तो कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि भैया हमने तो सिम खरीदा था, पर्सनल नंबर तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक सिम खरीदा था और सिम हमने फेंक दिया, और नंबर, कुछ लोग क्या होते हैं कि नंबर, अपने नंबर को भूल जाते हैं कि कौन सा सिम, जैसे क्या करते हैं लोग, खरीदते हैं, 1-1.5 महीना यूज करते हैं, उसके बाद से फेंक देते हैं, नंबर याद नहीं रहता है। तो कुछ लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आधार से जो सिम खरीदा है तो उनके आधार पर कितनी सिम एक्टिवेट है। बहुत सारे लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है, आते हैं लोग दुकान पर, कहते हैं भैया हमने हमारे नंबर से, हमारे आधार से कितने सिम चल रही है, हम कैसे पता करें, ताकि जैसे कि अगर पता चल जाए कि हमारे नाम से फलाना सिम चल रही है, 5-6-7-8 जो भी सिम चल रही है, और हम उसको कौन सा नंबर यूज करना चाहते हैं, कौन सा नंबर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो जो नंबर यूज करना चाहते हैं उसको हम रखें, जो नंबर नहीं यूज करना चाहते उस नंबर को हम बंद करा दें। ये सब इंटरफेस लोग खोजते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा, कि हमने अभी तक अपने आधार से कितना का सिम कार्ड खरीदा है वो पता चल जाए कि हमारे नाम से इतनी सिम चल रही है, और उस सिम कार्ड को हम क्या करें, आसानी से बंद करा दें, और जो हमारे, जो हमको यूज में है, जो हमारे यूज में चल रही है सिम, हम उसको यूज करें, बाकी जो फालतू नंबर जो हमने मार्केट से खरीदा था ऑफर में, उसको अगर हम नहीं चलाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे बंद कराएं। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करेंगे कि हमारे आधार कार्ड से, हमारे नाम से कितनी सिम एक्टिवेट की जा चुकी है और कितनी सिम चल रही है, कौन सा नंबर हमको चलाना है, कौन सा नंबर हमको बंद करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, और अगर हमें आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी यह जानकारी मिले कि हमारे नाम से कितनी सिम है और हम इसको अनुपयोग सिम जो है, जिसको नहीं उपयोग करना, उसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। भैया हमको एक बात जानना था। क्या बात जानना था? हम कैसे पता करें कि हमारे नाम पे कितने सिम निकले हुए हमारे आधार कार्ड पे? तो बिल्कुल आसान तरीका है, इसको हम बताते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलते हैं वहाँ और बताते हैं आप। क्या हम अपने जो हमारा नंबर यूज नहीं हो रहा है हमारे नाम पे उसको बंद करा सकते हैं? जी बिल्कुल बंद करा सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप आपको बताते हैं। तो अपने कंप्यूटर के, तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाते हैं और क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर में ओपन करके आप क्रोम पे आप टाइप करेंगे TAFCOP, टैप कॉप करके और इसको इंटर कर दीजिए, सर्च कर दीजिए, और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको हम लोग ओपन कर लेंगे।
जैसे कि वेबसाइट ओपन हो रही है और यहाँ पे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आपके यहाँ पे कोई कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल कर लेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद से हम यहाँ पे वैलिडेट कैप्चर कर लेंगे। जैसे वैलिडेट कैप्चर कर लेंगे तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी चला गया, जो नंबर अभी इंटर किया, तो ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद हम इसको लॉगिन कर लेंगे। अब आपके नाम से जितनी भी सिम चल रही होगी वो सारी लिस्ट यहाँ पे निकल के चली आएगी। नाम से जो भी नंबर है ये आपका यहाँ पे आ चुका है। जैसे यहाँ पे शुरू में क्या दिखा रहा है, 91 तो हमारा कंट्री कोड हो गया, 96 से नंबर है और लास्ट में 1376, ऐसे 95 से है लास्ट में 7408, यहाँ 63 से है 7768 और यहाँ पे 72 से है लास्ट में 7484। ये नंबर आपके नाम से चल रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हमको इस नंबर की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे आसानी से, जैसे कि आपने जो भी अपने आधार से जो भी सिम लिया था, आपको शुरू का 2 डिजिट और लास्ट का 4 डिजिट मिल गया, 20 का आपको डिजिट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप आसानी से जा करके जो, जैसे कि ये हमको नंबर नहीं चाहिए तो नॉट माई नंबर पे क्लिक करके और यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा देंगे। जब रिक्वेस्ट लगा देंगे तो सिम ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद से जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आपके पास कोई नंबर है जिसको आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप एक बार बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो भी नंबर आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट कर देंगे तो वो नंबर आने वाले समय में 1 से 2 दिनों के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा इंटरफेस है जिसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए, भैया हमारे नाम से कितनी हमारे आधार पे चाहे हमारे नाम से कितनी सिम चल रही है वो कैसे पता करें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है जिसके द्वारा आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच।